सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। सो गाइस, आज हमारी छुट्टी थी, तो हमारा आज हाफ डे था, तो हमारी छुट्टी 11 बजे हो गई, तो हम आ रहे हैं घर की। और उससे पहले हम लोग गए मार्केट, मार्केट से लेके आए हम लोग आज मैदा और छोले, ताकि हम रात को आज छोले भटूरे बना सके। उससे पहले आप सभी को नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बने रहे आप पे और मुझ पे भी और मेरे परिवार वालों पे भी। सो गाइस, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ और ये मेरे हस्बैंड चले गए पहले ही। धूप भी हो रही है काफ़ी। वैसे दादी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और गाइस ये देखो, आज दादाजी फाइनली दादाजी आज दिख गए, क्योंकि दादाजी बहुत कम दिखते हैं। है? दादाजी आज पूरा चौक लीप रहे हैं। दादाजी क्या करना चाह? क्या करना चाह? हैं? क्या करना? चौक क्या करना? क्या करना चाह? क्या करना चाह? क्या करना चाह? तेज बोलो, तेज, तेज बोलो, बोलो। तो गाइस, दादाजी चौक लीप रहे हैं सच। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। तो गाइस, पहाड़ों में चौक ऐसे लिपते हैं, मिट्टी रहती है और गोबर, तो इन दोनों को मिक्स करके दादाजी ने पूरा चौक लिप दिया। बहुत ही सुंदर। पहाड़ के लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत सीधे होते हैं, इसलिए शायद पहाड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होते हैं, तभी तो शायद उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड माना जाता है। और सच में मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड ऑफ फील करती हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था, सच में। तो गाइस, मैं भी ट्राई करती हूँ, बट मैंने आज तक अभी किया नहीं है ये काम। देखते हैं दादाजी करने देंगे। दादाजी थोड़ा गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं, करते हो दादाजी? तो देखते हैं दादाजी कैसा कर रहे हैं, फिर मैं भी ट्राई करती हूँ। जाना ही इधर से, क्योंकि ऊपर से जा, गीला हो रखा ना, तो इस चक्कर में ऊपर से जाना पड़ेगा। गाइस लेंगे अब दादी का इंटरव्यू। दादी से पूछते हैं अब कुछ सवाल। हम दादी बताएगी अब अपने बारे में। दादी आपका नाम क्या है? आनंदी देवी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं मेरे। क्या क्या करते हैं? एक फौज में रिटायर आ गया, दूसरा भी आ गया, बैंक में लग गया। हाँ। दो नाती है मेरे, तीन नाती है मेरा, दो नाती भी भर्ती हो गया। हाँ। और एक नाती अब कोर्स कर रहा है। हाँ। लड़की मेरी टीचर है, बस मार बोले। दादाजी को कितना प्यार करते हो? और ये बता, आप कितने पढ़े लिखो? आपने कितने स्कूल कर रखे, मतलब कितना था पढ़ रखे? कितना पढ़ रखे आप? एक दो स्कूल नहीं देख रखी? अच्छा, दादी और ऊपर छत में, तो उनको कूटने के लिए, ताकि एक ही जगह में हो, ताकि डायरेक्ट माटा नहीं आएगा,
पत्थर नहीं आएगा, इसलिए दादी को प्लेन कर दिया। पत्थर नहीं आएगा, रोटू के साथ कैसे खाने हैं? छान के थोड़ी चिमी दे।